हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। आज है वीकेंड, दैट मीन्स संडे, और आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने। सो मैं आपको बताती हूँ रास्ते में कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बरैया पोखरा देखने, जो कि मेरे घर से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हम लोग वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही हमें उस जगह के बारे में पता चला, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार घूम आए, और वैसे भी आज तो वीकेंड है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे और धूप है थोड़ी थोड़ी। पीछे आपको दिख रहा होगा वो छोटी सी हवेली टाइप की बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस प्लेस की मेन अट्रैक्शन जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो है ये मछलियाँ। यहाँ सैकड़ों मछलियाँ हैं, डिफरेंट साइजेस की, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट वैरायटीज की। इस जगह को बर्रा समुदाय के किसी साहूकार ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम बरैया पोखरा है। इन मछलियों को फीड कराने के लिए यहाँ बाहर पफ राइस बिकती है, जिसे मेरी लोकेलिटी में मूढ़ी कहते हैं। हो सकता है आपके एरिया में कुछ और कहते हों। मछलियाँ वैसे तो काफ़ी शांत रहती हैं, बट जैसे ही आप ये पफ्ड राइस या बिस्किट डालेंगे पानी में, सारी मछलियाँ ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं। साथ से हाय मम्मी, भाभी हाय कर दे। समी अभी सो रहा है, उठने पे उससे मिलवाती हूँ। वेदर यहाँ का काफी अच्छा हो रखा है। लुक एट द बैक, मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। पापा कहीं पीछे हैं। इतनी सारी मछलियाँ हैं अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस की, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना आउटफिट शेयर कर रही हूँ। मैंने पहना है ये ब्यूटीफुल सा ऑलिव ग्रीन फ्लोर लेंथ फ्लेयर्ड मैक्सी ड्रेस फ्रॉम द ब्रांड एस फॉर यू बाय शिवाली।
ये ड्रेस मुझे एज अ गिफ्ट रिसीव हुई थी फ्रॉम वन ऑफ माय वेरी स्पेशल फ्रेंड। ये ऑलिव ग्रीन कलर में है विथ ऑरेंज फ्लोरल वाइट बॉर्डर, मेरिडियन नेक एंड 3/4 कर्व्ड स्लीव्स एंड ऑल ओवर द कुर्ता छोटे छोटे ऑरेंज बीड्स एंड ऑरेंज थ्रेड डिटेलिंग है एंड अराउंड 4 मीटर का फ्लेयर है इसमें। इसके साथ मैंने टीम अप किया है ये ऑरेंज कॉटन स्कार्फ फ्रॉम क्लब फैक्ट्री एंड वेस्ट लाइन को डिफाइन करने के लिए मैंने पहना है ये 10 कलर्ड बेल्ट अगेन फ्रॉम क्लब फैक्ट्री। फुटवेयर में मैंने पहना है दीज ब्लैक स्लाइडर्स बाय द ब्रांड शूटोपिया फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड ट्रस्ट मी दे आर सुपर कम्फर्टेबल। एंड इसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अपने फ्लिपकार्ट फुटवेयर हॉल में, अगर आपने अभी तक वो हॉल नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने पहना है गोल्डन ऑक्सीडाइज 3-लेयर चेन झुमकास फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस, रोज गोल्ड वॉच फ्रॉम स्टाइलिश यू एंड गोल्डन मेटल बैंगल्स फ्रॉम लोकल मार्केट। धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट स्टिल अच्छा रश है, आप देख सकते हैं ऑल अराउंड। एक्चुअली यहाँ पास में एक मंदिर है, इस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी रश होती है। इधर आ जाए। मेरे पापा से हाय एंड मम्मी, मामा, भाई एंड भाभी बाहर गाड़ी में क्योंकि समी सो रहा है वहाँ पे। फोटोशूट के लिए प्लेस काफ़ी सही है, आप चाहे तो कपल फोटोशूट कराइए या फिर सोलो फोटोशूट, अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पे फोटोशूट कराने के लिए। दमो ये मेरे भैया शर्ट उतार चुके हैं बिकॉज उन्हें पानी में जाने का मन है। यहाँ पे समी आराम से बैठ गया है, उसको वापस पानी में जाना है। पापा भींग गए। अरे मेरी छोटी मछली। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। यही वेदर चाहिए यहाँ घूमने के लिए, बिकॉज शाम होते होते यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा। वेट, मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये है वो मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे शादी एंड इससे रिलेटेड फंक्शन होते हैं। यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट कम ढाबा जो कि यहाँ से पास में ही है, बिकॉज लंच का टाइम हो चुका है और सबको भूख लग गई है। ये हम पहुँच गए राजू ढाबा। ये एक ढाबा कम रेस्टोरेंट है जो कि पहले ढाबा था एंड रिसेंटली इसे रेस्टोरेंट का लुक दिया गया। स्टिल इसका लुक अभी भी एवरेज है विथ अ वेरी हाई क्वालिटी वेजिटेरियन फूड, तो जो भी वेजिटेरियन लवर हैं उनकी ये फर्स्ट चॉइस होती है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में मेंशन किया था कि मेरे पापा बाहर के खाने को फुल्ली अवॉइड करते हैं, बट इस टाइम वो साथ में हैं सो हमने ऑर्डर किया है फुल्ली वेज थाली।
बिकॉज इसमें स्पाइस काफ़ी कम होता है। एंड हियर इज द फूड। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। आई होप आपने ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। इफ़ यस देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, विच इज़ sanazworld02, जो कि स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होगी। एंड वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।